मजदूर के लोग, उनके साथ आपको रहना चाहिए, हर कोशिश करनी चाहिए उनको पाने की, और इसी तरह आपका जो प्यार है वो आपको मिल जाता है। ये मेरा ओके। शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी अभी थोड़े दिन पहले करीना के साथ, फिर एक तेवर फिल्म आई थी यू नो अर्जुन कपूर सोनाक्षी सिन्हा के साथ, और कहीं ना कहीं जो ट्रेलर से थोड़ा बहुत समझ में आता है थीम वही है, यू नो एक समबड़ी हु बिलोंग्स टू अ विलेज और सम स्मॉल टाउन, और फिर वो किसी से प्यार करता है, फिर वहाँ का कोई बाहुबली उसी लड़की में इंटरेस्टेड हो जाता है। ये ऐसे अब देखने जाएंगे तो बहुत टाइम से जो फिल्में बन रही हैं उसमें कैसा होता है, हीरो होता है वो लड़की के पीछे जाता है, एक विलन होता है, ये तो थीम तो वही होता है, लेकिन उसे दर्शाने का तरीका अलग होता है। हमारी फिल्म में टोटली अलग है, अगर आपको लग रहा है वो थोड़ी सी उस तरह की है, हाँ थीम वही है मगर दर्शाने का जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट है, पूरा ही अलग है। आप फिल्म देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। ओके, क्या खास ध्यान रखा गया जब यू नो देयर बी अ कंपैरिजन व्हेन यू कमिंग विद द फिल्म दैट टू विद द न्यू स्टार कास्ट, देयर बी अ कंपैरिजन विद तेवर और विद अदर फिल्म व्हिच इज बेस्ड ऑन द सेम यू नो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, सो व्हाट यू केप्ट इन माइंड व्हाइल वर्किंग ऑन द फिल्म, क्या ध्यान में रखा गया कि ये फिल्म उस तरह की ना लगे कि हाँ हमने ऐसा देखा है? उस तरह की फिल्म ना लगे इसलिए हमने आई हैव ट्राइड टू नॉट कॉपी देम और ट्राई टू इमिटेट देम व्हिच इज रॉन्ग। एज एन एक्टर मुझे अपनी ओरिजिनलिटी रखनी चाहिए, वो मैंने किया। उसके अलावा अगर देखने जाएं तो प्लॉट पूरा ही अलग है, भले ही थीम सेम है, हर फिल्म में हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन होता है, मेजर फिल्म्स में प्लॉट वही है, थीम वही है, बट चीज़ों को दर्शाने का तरीका अलग है। आप वो फिल्म देखेंगे आप समझ जाएंगे। तो सर आप प्रोफेशनली डॉक्टर हो, तो आपने एक्टिंग और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज किया? जी ये है कि बचपन से मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक था और बचपन से ही एक्टिंग का बहुत बड़ा शौक था मुझे, और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा ही था वैसे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक्टिंग में कुछ करना चाहिए। लेकिन बात ये हो जाती है कि अगर आपको एजुकेशन करना है, एजुकेशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी डिग्री ले लूँगा और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करूँगा, उसके बाद अगर मुझे चांस मिले तो मैं एक्टिंग में कुछ करना चाहूँगा। ओके, योर वेरी फर्स्ट डे विद जिमी शेरगिल इन द फिल्म, कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना सीखने को मिला जिमी से? जिमी जी बहुत सीनियर एक्टर हैं, उनके साथ मुझे काम करने में पहली बार तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पता नहीं बहुत सुना होता है कि बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उनके सामने आप गलती कर दो तो वो डांट देते हैं वगैरह, मगर जिमी जी वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उनके साथ जब भी मैं जाता था उनसे पूछता था कि मैं कैसे करूँ, ये सीन ये डायलॉग है वैसे करूँ, ऐसे करूँ चलेगा आपको, वैसे करूँ चलेगा, वो बोलते थे कि जैसा करना है वैसे करो, अच्छा लगना चाहिए फिल्म के लिए, अच्छा होना चाहिए, मेरे प्रेफरेंसेस नहीं है, बट वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर मैं कुछ गलतियाँ भी करता था तो डांटते नहीं थे और मुझे बहुत समझाते थे कि इस तरह से करो उस तरह से करो, वो उस तरीके से बहुत सपोर्टिव थे। जिमी जी हैं, शक्ति कपूर साहब हैं, वो सब बड़े सीनियर एक्टर्स हैं, वो उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे, अब बिल्कुल नहीं डांटा, वो बहुत पेशेंट रहे हैं, मैंने काफ़ी गलतियाँ की फिल्म में शूटिंग किया, बट उन्हें कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं। ओके, वन लाइनर हमेशा से बहुत फेमस रहते हैं, जब आप कोई फिल्म का ट्रेलर आउट होता है वन लाइनर को हमेशा नोटिस करा जाता है और शायद उसकी बिना पे ही लोग फिल्म को या थिएटर तक पहुँचते हैं। इसमें थोड़े बहुत मेरे को वन लाइनर जो डायलॉग की बात करें, नाम है शहनशाह हूँ, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये एक जो लड़का है जो मेरा कैरेक्टर में जिसका प्ले कर रहा हूँ, वो एक गांव से बड़ा बड़ा है, उसे गुंडाई का बहुत शौक है, वो बड़े लोगों को लगता है कि बड़े होकर मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एमए करूंगा, बीए करूंगा, इसे गुंडा बनना है, बड़ा होकर इसे उस जगह का बाहुबली बनना है, तो उस हिसाब से अपने काम भी वैसे ही करता है, चलता भी वैसे ही है, खाता भी वैसे ही है, डायलॉग भी वैसे ही बोलता है, लोगों से बात भी वैसे ही करता है, तो उस तरह का है, इसी वजह से हम लोगों को वन लाइनर्स यूज़ करने पड़े ताकि उसका वो एक तेवर दिखे हर जगह, तो उस वजह से वैसा। नहीं, वन लाइनर पूछना चाहूँगा क्या वन लाइनर थे, क्योंकि ऑडियो सही नहीं था। ऑडियो में एक वन ट्रेलर में आप देखेंगे वन लाइनर वैसा था कि वो पूछता है, गुंडा पूछता है, कौन है भी तू, यहाँ क्यों आया, तो ये कहता है ना तो रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, ना ही हमारा नाम है, मैं तो खाली घर खाली करवाने आया हूँ, ये डायलॉग है। वैसे बहुत सारे हैं, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे जैसे कि मैंने अभी देखा ट्रेलर में आपने बहुत सारे एक्शन बीट्स किए हैं, तो आप बताना चाहिए कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू डू सच थिंग्स। एक्शन, देयर टू टाइप्स ऑफ एक्शन, वन इज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वन इज आउटसाइड द कैमरा। जो मैं पहले से बचपन से आई वॉज ट्रेंड इन मार्शल आर्ट्स सिंस आई वॉज 3, तो टूर्नामेंट्स वगैरह बहुत खेलता था, तो वो एक एक्शन हो जाता है, और ये जो कैमरा के सामने जो एक्शन होती है वो अलग होती है थोड़ी। इट वॉज वेरी टायरिंग क्योंकि उसमें जो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं वो पहले तो बताए नहीं जाते आपको, उसमें तकलीफें हो जाती हैं, गिर जाते हैं, लग जाती है, बट इन दी एंड बड़ा मज़ा आया करने में, भले ही लगा है मुझे
डिफिकल्ट हुए हैं सिचुएशंस वगैरह, बट बड़ा सो मुंबई से लेके यूपी तक का आपका जर्नी कैसे था, क्योंकि जो भी शूट अप हुए वो यूपी में हुए हैं जैसे कि आपने कहा, तो हाउ व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ. इससे अच्छा मेरे लाइफ में कुछ नहीं हुआ मुझे ऐसा लगता है. बहुत लोग बड़े बड़े लोगों से मिला, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, जो दिल से करना चाहता था वो किया. तो जो 45 डेज हम लोगों ने शूट किया है, इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज द बेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ. ओके, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव द ऑडियंस व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म व्हेनेवर इट्स गेटिंग रिलीज? क्यों वो आए फिल्म का हिस्सा बने? फर्स्टली तो ये फिल्म एक एक्शन बेस्ड रोमांटिक फिल्म है. ये हम लोगों ने अलग तरीके से शूट किया है, तो आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा इस फिल्म में. सेकेंडली, मेरी पहली फिल्म है, तो मैं चाहता हूँ आप 2-3 बार देखें तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा. ओके, फिल्म मेकिंग इज ऑलवेज अ सीरियस बिजनेस है ना. जब हम फिल्म बनाना आसान है, लेकिन जब हम रिलीज की बात करते हैं तो मोनोपोली है. चाहे वो नो सिंगल थिएटर की बात हो या मल्टीप्लेक्स की बात हो, स्क्रीन्स नहीं मिलती हैं. आलम यह है कि अपनी फिल्म दिखाने के लिए आपको पे करना पड़ता है, देन यू नो योर फिल्म गोना रन. तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, हाउ मेनी स्क्रीन्स? तो मुझे कोई आइडिया नहीं है. मुझे बोला गया है कि कुछ स्क्रीन्स में मिलेंगे, कुछ स्क्रीन पे नहीं मिलेंगे, बट दैट विल फाइंड आउट वंस द थिंग्स आर आउट. बट फिलहाल मुझे नहीं पता कितना होगा कैसे होगा, बट मुझे बोला गया था कि वो मेरा जितना काम था वो मैंने बहुत अच्छे से किया. आगे प्रमोशंस में मैं करूँगा, मगर आगे क्या होता है वो ऊपर वाले के ऊपर होता है. तो सर, आप जाते जाते अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि ये एक मेरे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट रहा है, ये फिल्म शूट करना. मैंने जैसा भी काम किया हो, इसमें जिमी जी हैं, शक्ति कपूर जी हैं. मैं चाहूँगा एक फिल्म देखें, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा. ये आप लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप आए, आपको 3 घंटे जो आपने फिल्म देखी, आपको बड़ा मज़ा आया, आप चले गए, वो एक ऐसा होगा. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आके देखें. इट्स एन एक्शन बेस्ड रोमांटिक फिल्म, प्लीज़ कम एंड वॉच. थैंक यू. Gracias.